तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में पासपोर्ट कैसे डाल सकते हो। दोस्तों, जिन जिन स्टेप को मैं आपको बताऊँगा उनको फॉलो करते जाना है, आपको आ जाएगा कि लैपटॉप या फिर पीसी में आप कैसे डाल सकते हो कोई भी पासपोर्ट। तो दोस्तों, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक्निकल। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कीबोर्ड में विंडो प्लस आर दबा देना है एक साथ। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको इधर सर्च कर लेना है कंट्रोल पैनर। तो फ्रेंड्स, जैसे आप कंट्रोल पैनर सर्च करते हैं और फिर आपको ओके कर देना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। या फिर दोस्तों, आप इधर से भी जाके सर्च कर सकते हैं कंट्रोल पैनर, तो आपको इधर कंट्रोल पैनर का ऑप्शन आ जाएगा और आप उसको क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप उसको क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इधर लिखा हुआ दिख जाएगा यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी। तो फ्रेंड्स, आपको इधर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप इधर क्लिक करते हैं तो आपको इधर फिर से एक और ऑप्शन मिल जाएगा फर्स्ट में यूजर अकाउंट्स का। तो फ्रेंड्स, आपको इधर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप इधर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा मैनेज अनदर अकाउंट का ऑप्शन इधर दिख जाएगा। फ्रेंड्स, आपको इधर क्लिक कर देना है। और जैसे ही फ्रेंड्स आप इधर क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर में जितने भी अकाउंट बने होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे इधर दो ही दिख रहे हैं, तो मेरे को इस वाले में पासपोर्ट डालना है, तो मैं इधर क्लिक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं एडमिन एडमिनिस्टर पर क्लिक करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इधर ऊपर से दूसरा ऑप्शन ही मिल जाएगा क्रिएट पासपोर्ट का, तो आपको इधर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते तो आपको इधर बहुत सारी लिखी हुई चीज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इधर लिखा हुआ है न्यू पासपोर्ट और दोस्तों इधर लिखा हुआ है कंफर्म पासपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आपको इधर थर्ड में लिखा हुआ दिख जाएगा टाइप अ पासपोर्ट हिंट, तो आपको इधर कोई हिंट भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं इधर न्यू पासपोर्ट में अपना पासपोर्ट डाल लेता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं फिर इधर कंफर्म पासपोर्ट डाल लेता हूँ। और फ्रेंड्स, आपको इधर थर्ड ऑप्शन जो मिल रहा था हिंट का, तो आपको इधर हिंट भी कोई डाल लेना है, ताकि जब आप पासपोर्ट भूल जाए तो आपको हिंट की मदद से वो पासपोर्ट रिकवर हो सके। और दोस्तों, जो पासपोर्ट मैंने डाला हुआ है वो मैं साइड में लिख लेता हूँ, ताकि मैं उसको अगर भूल भी जाता हूँ उधर से देख के पासपोर्ट टाइप कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आप पासपोर्ट कहीं लिख भी लीजिए, ताकि आप बाई चांस कभी भूल जाते तो आपको याद रहे। तो फ्रेंड्स, आपको फिर इधर क्लिक कर देना है क्रिएट अ पासपोर्ट, जो आपका पासपोर्ट होगा वो आपका पूरा सेव हो जाएगा और बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसको शट डाउन करके ओपन करोगे तो आपसे इधर फर्स्ट ही मांगेगा आपका पासपोर्ट, फिर जो आपका कंप्यूटर होगा वो ओपन हो सकेगा या फिर लैपटॉप ओपन हो सकेगा। तो फ्रेंड्स, आप कुछ इस तरह अपना पासपोर्ट डाल सकते हो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ आ गया होगा कि आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में कैसे पासपोर्ट डाल सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी आसान तरीका था। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।